ज़्यादा दिन भाग दौड़ के बाद प्लांटिंग के लिए समय बहुत ही कम है, इसलिए कुछ ऐसे पौधों के बारे में हम आज बोलेंगे जो कि ना कि बहुत सारी टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ेगा और बहुत आसानी से ये ग्रो कर सकती है और अपने घर के सजावट के लिए या फिर पौधों के गार्डनिंग के शौक पूरा करने के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं ऐसे 5 पौधे के बारे में जो कि बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। मॉसेस इन द कैटल एक बहुत ही सिंपल सा एक पौधा है और इसके कई सारे नाम हैं जैसे मॉसेस इन द बास्केट, बोट लिली और कई सारे। तो इसके लिए आपको जो पॉट लेना है वह है हैंगिंग पॉट, हैंगिंग पॉट में इसे लगाना चाहिए। और इसके मिट्टी जो लेना है वह है 60% गार्डन सॉयल और 40% खाद यानी कि कंपोस्ट। और इसके पानी का जो रिक्वायरमेंट है वह है पानी इसमें देना चाहिए समर के डे में, इसको सुबह शाम या एक बार पानी डाल दीजिए। और जो विंटर की टाइम है विंटर में इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होता है, इसके मिट्टी टब का मिट्टी जब सूख जाएंगे तभी इसको पानी देना। और सनलाइट जो है सनलाइट इसे इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए क्योंकि इसके जो पत्ते के नीचे के हिस्से है पर्पल वो बहुत ज़्यादा धूप से फीका पड़ सकती है और बहुत कम धूप से इसे फेडेड भी हो जाते हैं। तो इसको सनलाइट अच्छी तरह से मिले इनडायरेक्ट सनलाइट। ज़ेबरिना पेंडुला इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे कि वंडरिंग जू। और इसके पॉट हैंगिंग पॉट लीजिए, इसके मिट्टी जो है वो 60% गार्डन सॉयल 30% या 40% गोबर की खाद भी ले लीजिए। सिर्फ मिट्टी में भी इसे लगा सकती है और बहुत आसानी से बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, कोई भी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसके जो वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इसे हर रोज़ करना चाहिए समर के टाइम, और विंटर में ये हफ्ते में 1-2 दिन कर दीजिए। और 1-2 दिन स्कीप भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, ये सर्वाइव कर लेता है। और इसके सनलाइट के बारे में बोलते हैं, सनलाइट जो है इसके छानते हुए धूप यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और डायरेक्ट सनलाइट से इसे क्या होगा कि इसके जो पत्ते की बैक पोर्शन है ये भी पर्पल है तो इसके ये पर्पल कलर थोड़ा सा फेड हो सकती है बहुत डायरेक्ट धूप से। अब आती है लिटिल वाइन। ओहो बहुत लविंग पौधा है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब इसे मैं घर में लाए थे तब बहुत छोटे छोटे इसके स्टीम थे और आज और मेरे जो टेरिस है वो टेरिस पे बहुत सारे मैंने लगाए, वो जब जहाँ आप छोड़ दीजिए तो वहाँ पर वो ग्रोथ हो जाती है। धूप चाहिए, डायरेक्ट धूप नहीं मिले तो इनडायरेक्ट धूप ही, बट इसे धूप चाहिए ठीक है। वाटरिंग इसे रोज़ हर रोज़ कर दीजिए, जब आप आउटडोर में रखते हैं तो वाटरिंग रोज़ दीजिए, जब ये बालकनी या सेटेड एरिया में है तो हर रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन स्किप करके भी दे सकते हैं। और इसके जो मिट्टी के बात करें वही मिट्टी आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। आसानी से जो प्लांट ग्रो हो सकती है उसके लिस्ट में नंबर 4 में आते हैं पीलो प्लांट यानी कि स्टोन क्रीपर। ये भी बहुत आसानी से ग्रो करती है। तो इसे लगाने के लिए आप हैंगिंग पॉट लीजिए, वही पॉटिंग मिक्सचर। और ये एक इंडोर प्लांट नहीं है, ये एक आउटडोर प्लांट है, तो इसे इंडोर में ना रखिए, आउटडोर में रखिए। आप बालकनी में भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ भी छाती हुई धूप आती है या डायरेक्ट धूप आती है जहाँ पर इसे डायरेक्ट धूप चाहिए ठीक है। 1-2 घंटा दिन में डायरेक्ट धूप है। मनी प्लांट बहुत आसानी से बहुत जल्दी ग्रो करती है और इसके देखभाल के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। ये बहुत सुंदर प्लांट है, मुझे बहुत पसंद है। तो आइए इसको भी आप इंडोर में शामिल कीजिए। तो इसके लिए हैंगिंग पॉट ले लीजिए और मनी प्लांट के लिए वही जो मिट्टी आप तैयार करके देखिए वही मिट्टी इसे दे दीजिए। इसके सनलाइट 1
एकदम से इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, इसे भी इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और इसके पानी के जो बात करें, इसके मिट्टी जब सूख जाए तभी इसे पानी देना। और बहुत सुंदर ये ग्रो करता है। तो 45 या 50 डेज में मेरे ये 5 प्लांट्स रेडी हो गए और देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है और बहुत जल्दी ग्रो हो गया। कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, सिर्फ पानी और जो मिट्टी मैंने तैयार करके दिया था वही, बस वही और कुछ भी नहीं। देखिए मेरा मैंगो प्लांट बहुत ही सुंदर ये हैंगिंग हो गया। बहुत आसान से, बहुत इजी तरीके से ये सब प्लांट्स आप कर सकते हैं और अपने घर में लगा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए और एक कमेंट्स कीजिए, जिनके ऊपर मैं मेरे अगले वीडियो के मोटिवेशन मुझे मिल जाए। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जिस पॉट में मैं मनी प्लांट लगाए थे उसी पॉट के साइज में साइड में दो छेद कर लिए और वो ये हो गया मेरा हैंगिंग प्लांट बास्केट। ये कितनी सुंदर ग्रो कर रही है 45 डेज में, आप इसे देख सकते हैं। लिटिल वाइन है, इसके लेंथ देखिए बहुत लंबा हो गया। कि मेरा मैनी प्लांट है मुझे गार्डन भाई है। इसका हाइट ज़रा देख सकते हैं बहुत लंबा है। जिस पॉट में मैं मनी प्लांट लगाए थे उसी पॉट के साइज में साइड में दो छेद कर लिए और ये हो गया मेरा हैंगिंग प्लांट बास्केट।